नागपुर शहर में व्यापारियों की हालत लॉकडाउन के कारण बेहद खराब है। सरकार ने बढ़ती कोरोना महामारी को रोकने के लिए कड़क लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसका फायदा चोर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर शहर के बर्डी परिसर में मोदी नंबर 3 के मोबाइल शॉप में रात को चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 25 से 30 हज़ार का कैश और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज माल चोरी किया है। बर्डी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। CCTV फुटेज की मदद से चोरों को पकड़ा जा सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। अब व्यापारियों के मजबूरी का फायदा चोर भी उठा रहे हैं। 8 बजे फोन आया, आजू बाजू के लोगों के हिसाब से ताले टूटे हुए हैं और शटर बैंड हो गया था, तो आके देखने के बाद मालूम पड़ा कि शटर पूरा बैंड किया है, कैमरे वैमरे गायब है और चोरी हुई है अंदर में। तो पुलिस के हिसाब से पहले शटर खोलना नहीं है, पुलिस आने के बाद हम लोग शटर खोलेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी मिलेगी क्या चोरी हुआ है। ये संभल वगैरह किया है पूरा, ये 16 फुट का शटर है, पूरा टेढ़ा करके अंदर घुसे हैं और अंदर से माल गायब हुआ है, माल बाहर भी पड़ा है, माल जैसा निकाला है तो बाहर गिर गया उनका। आज सवेरे 9:30 बजे मेरे को जगदीश भाई की फ़ोन आई कि आपका दुकान पूरा बिखरा पड़ा है और आइए आके देखिए। आके देखने के बाद देखा गया तो मेरा पूरा सामान दुकान का बिखरा गया है और काउंटर में मेरे पूरे लॉक तोड़े गए और उसमें से काफ़ी सामान मेरा निकला हुआ है। तो उसके बाद मैंने जब CCTV पे रिकॉर्डिंग चेक की तो 2:20 पे लगभग 3 लड़के आए हैं और 2:22 पे पुलिस की गाड़ी भी यहाँ से क्रॉस हुई है। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद ये 3 लड़के यहाँ पे छुप गए थे। उसके बाद उन्होंने काउंटर को थोड़ा और तोड़ने की 5-10 मिनट कोशिश किए, उसके बाद वो यहाँ से निकल के बाजू वाले दुकान पे गए 3 लड़के। वो 3 लड़कों का जो फ़ोटो है CCTV में आया है क्लियर। इस पे पुलिस प्रशासन से विनती है कि कुछ इस पे जायज़ एक्शन लिया जाए ताकि हमारा जो भी नुकसान हुआ है हमें भरपाई मिले। पहले ही लॉकडाउन का समय चालू है, इसमें काफ़ी हम मुसीबत में हैं सर। लगभग मेरे को लग रहा है 2 से 3 दुकानों की चोरी हुई है, जहाँ लॉक एक दुकान का सिर्फ लॉक टूटा है और 2 दुकानों में चोरी हुई है। आर वर्ल्ड का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें उनका शटर तोड़ा है और काफ़ी माल निकाला गया है।